हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाय, आई एम प्रीति मैम। आई एम योर क्लास टीचर माउंटेन श्री वन बी। मैं आपकी क्लास टीचर माउंटेन श्री वन बी की हूँ। मेरा नाम प्रीति मिस है। आज मैं आप लोग को इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट, फिर वर्ड मीनिंग सब बता चुकी हूँ। वर्ड मीनिंग में ए से टी तक बता चुकी हूँ वर्ड मीनिंग। आज मैं आप लोग को इंग्लिश में एक नया चीज़ सिखा रही हूँ, ओके। जैसे हम लोग बहुत तरह सीखते हैं, तो आज मैं एक नया चीज़ बताती हूँ। देखिए, इसे बता रही हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब क्या होता है? रिक्त स्थान को भरो। फिल मतलब, या फिर बोलिए खाली स्थान को भरे। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरे। अब कैसे अब ये बोलिएगा क्या खाली स्थान को भरे, तो मैं बताती हूँ। आइए स्टार्ट करती हूँ। देखिए, जैसे ए फॉर एप्पल होता है, एप्पल होता है ना, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे एप्पल का स्पेलिंग लिखे हैं, तो ये मेरा जो जगह है खाली है, तो इसमें क्या भरेंगे जो कि यहाँ एप्पल का स्पेलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते। देखिए, जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ खाली स्थान है, यहाँ पी है, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ ई है, तो क्या भरेंगे? तो जैसे कि पूरा हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखेंगे ए है, तो एक पी लिखेंगे, ठीक है। देखिए, पी लिखें, अब ए डबल पी हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे जो एप्पल हो जाएगा? तो यहाँ पे एल होगा। देखिए, तो ए डबल पी एल ई, एप्पल। एप्पल मीन्स क्या होता है? सेब। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये खाली स्थान जो था, तो हम इसमें भर दिए, तो ये मेरा क्या हुआ? वर्ड पूरा हो गया, यानी वर्ड बन गया ए डबल पी एल ई, एप्पल। एप्पल मीन्स सेब, ये वर्ड पूरा हो गया। इसी तरह आपको यहाँ भी भरना है, जैसे बी ये खाली स्थान है, एल ये खाली स्थान है, तो क्या भरेंगे जो यहाँ बॉल हो जाएगा? तो बी ए डबल एल, एल है, यहाँ पे एक ट्वेल भरेंगे। इसी तरह सी ए टी कैट, डी ओ जी डॉग, ई डबल जी एग, एफ आई एस एच फीस, जी आई आर एल गर्ल, एच ई एन हैन, आई सी ई आइस, जे यू जी जग, के आई एन जी किंग, एल आई ओ एन लायन। तो स्टूडेंट्स, मैंने वर्ड मीनिंग आप लोग को बता चुकी हूँ, इसलिए आज मैं आप लोग को वर्ड से ही फिलिंग द ब्लैंक्स दी हूँ बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो मेरा अधूरा वर्ड्स है, इसको आपको पूरा करना है, इसके जगह पे खाली जगह पे भरना है, और इस वर्ड को पूरा करके इसका वर्ड मीनिंग बन जाएगा। एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, एक, फीस, गर्ल, हैन, आइस, जग, किंग, लायन। तो आप समझ गए होंगे। एक बार देख लीजिए ठीक से, मैं आपको दिखा रही हूँ, देख लीजिए। ओके, थैंक यू।